हाँ तो बच्चों, क्लास 11th फॉर मैथमेटिक्स, टॉपिक है समुच्चय सेट। समुच्चय शब्द सर्वप्रथम कहाँ से आया, किस गणितज्ञ ने कहा? तो समुच्चय दैट इज सेट। समुच्चय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जर्मन गणितज्ञ जार्ज कैंटर ने किया था। जर्मन गणितज्ञ थे जार्ज कैंटर। अब समुच्चय है क्या, कंसेप्ट ऑफ अ सेट। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का अर्थ है निश्चित तथा सुस्पष्ट। निश्चित मीन डेफिनेट एंड सुस्पष्ट दैट इज डिस्टिंक्ट। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे कक्षा 11th के सभी छात्रों का समूह समुच्चय है, परंतु क्या कक्षा 11th के अच्छे छात्रों का समूह समुच्चय है? नहीं है। क्यों? क्योंकि अच्छे छात्र सुपरिभाषित नहीं है, दैट इज निश्चित नहीं है, अर्थात स्पष्ट नहीं है। कौन छात्र अच्छा है? छात्र सभी हैं, अच्छाई है तो किसमें अच्छे हैं ये डिफाइन नहीं किया गया। कौन छात्र किसमें अच्छा है, किसमें खराब है, चूंकि ये कुल मिला के छात्र सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए इसको मैं सेट नहीं कह सकता, समुच्चय नहीं कह सकता। अब आता है निरूपण, समुच्चयों का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। इसके दो विधि हैं। पहला है सारणी या तालिका विधि, इसको मैं कहता हूँ टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। इस विधि में क्या है, इस विधि में समुच्चय के अवयवों को मझले कोष्टक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। मझले कोष्टक के अंदर कामा लगाकर लिखते हैं। एक चीज और जानिए नोट करके, इनके अवयवों को लिखने में क्रम का महत्व नहीं है। सेकंड है, अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, रिपीट नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 9 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 2 3 डॉट डॉट 8, 8 तक मझला कोष्ठक बंद। सेकेंड एग्जाम्पल प्रयागराज, अब इसको अगर सारणी विधि से लिखना है सभी अक्षरों का समुच्चय, तो देखिए मैं लिखूंगा, इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं करूंगा, क्रम का कोई महत्व तो नहीं है, जो आ रहा है उसको पहले लिखूंगा। जो पी आया तो पी लिख दिया, फिर आर, फिर ए, ए के बाद वाई, वाई के बाद फिर ए आया, तो ए चूंकि लिख चुका हूँ इसलिए दोबारा नहीं लिखूंगा, फिर जी आया और फिर जे आएगा। सभी अच्छा लिखेंगे लेकिन रिपीट नहीं करेंगे मछले कोष्ठक के अंदर, पी आर ए वाई जी जे। ये हो गया सारणी विधि। अब आइए नियम विधि। नियम विधि क्या है, रूल मेथड। इस विधि में समुच्चय के अवयवों के सामान्य गुणों की व्याख्या करके लिखते हैं, मतलब जो भी गुण होता है उसकी हम व्याख्या कर देते हैं। जैसे सम संख्याओं का समुच्चय, इसको मैं कैपिटल ए बराबर या ई बराबर, यहाँ कैपिटल में लिखेंगे, इक्वल टू सपोज दैट मझले कोष्ठक में एक्स, ये दो बिंदु को मैं पढ़ता हूँ सच दैट, ध्यान रखिए यक्स सच दैट, यक्स सम संख्या है। तो हमने आपने देखा मैंने इसकी व्याख्या किया, यक्स क्या है, सम संख्या है। ये हो गया नियम विधि। इसी प्रकार प्रयागराज को ले लीजिए, जैसे आपने सारणी विधि में लिखा था, अब इसको अगर नियम विधि से लिखना हो तो क्या करेंगे, मान लेंगे मझले कोष्ठक में यक्ष सच दैट, दो बिंदी दिया, यक्ष शब्द प्रयागराज का एक अक्षर है। ये हो गया आपका नियम विधि। तो सारणी विधि और नियम विधि, टेबुलर फॉर्म एंड रूल मेथड, कुल मिला के दो मेथड्स हैं ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट के। अब जो है संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, सम इम्पॉर्टेंट सेट ऑफ नंबर्स। जैसे मैं कहता हूँ धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मीन्स नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इंटीजर मीन्स आई, क्योंकि धन है तो आई प्लस, जेड से भी निरूपित करते हैं तो जेड प्लस आर, यन से व्यक्त करते हैं, आई प्लस इक्वल टू जेड प्लस इक्वल टू यन बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट सो वन। पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, पूर्ण संख्याओं मीन्स होल नंबर, इसको डब्लू से व्यक्त करते हैं तो डब्लू इक्वल टू, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो होती है, जीरो शुरुआत होती है, 0 1 2 3 डॉट डॉट सो वन। इसी प्रकार ऋण पूर्णांकों का समुच्चय है, आई माइनस कर देंगे या इक्वल टू जेड माइनस, -1 -2 सो वन। इसी प्रकार नेक्स्ट है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स, जिसको आई या जेड से व्यक्त करते हैं, आई इक्वल टू जेड इक्वल टू, यहाँ प्लस माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक में तीन प्रकार होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर एंड जीरो इंटीजर, सभी आते हैं। तो आई इक्वल टू जेड इक्वल टू मझले कोष्ठक में डॉट डॉट -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट सो वन।
नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको क्यूब से व्यक्त करते हैं, तो क्यू इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू पी अपान क्यू, पी एंड क्यू बिलोंग्स टू आई, आई मीन्स इंटीजर एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मझला कोष्टक बंद हो गया। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, इसको मैं कैपिटल टी से व्यक्त करता हूँ, टी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। नेक्स्ट है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, कैपिटल आर इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स एक वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मीन्स रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर मीन्स द नंबर हुज स्क्वायर इज नॉन निगेटिव, अर्थात किसी संख्या को वर्ग करिए तो वो ऋणात्मक ना आए, इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ इक्वल टू एक्स मझले कोष्टक में एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा है या इक्वल टू जीरो है तब वो होगा, ये रियल नंबर होता है। इसी प्रकार समृद्ध संख्याएं दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं सी से व्यक्त करता हूँ, एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू ए प्लस आई बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, आर मीन्स रियल नंबर एंड आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन। ये चीज आप ध्यान दीजिए कि मैं ये जो नोटेशन जो यहाँ पे लिखा था इसका मतलब क्या है, इसको मैं पढ़ता हूँ बिलोंग्स टू, इट मीन्स दर्शाता है, इसको इसे बिलोंग करके अगर काट देते हैं पढ़ते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। आज के लिए इतना है, इसी भी दो होमवर्क, दो क्वेश्चन होमवर्क के लिए, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों का समुच्चय, मैथमेटिक्स के सभी अक्षरों के समुच्चय को सारणी व नियम विधि से लिखें। सेकंड क्वेश्चन है ए इक्वल टू मझले कोष्टक में 149 16 25 डॉट डॉट सुवान को गुण विधि या नियम विधि से लिखें। आज के लिए इतना, धन्यवाद।